यहाँ के विकास और इस गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। पूरा इलाका डरा हुआ है, समाज सुधार कर लीजिएगा। इस गांव को हम गोद लेते हैं, आम आदमी की जिंदगी तबाह और डरी हुई क्यों? नमस्कार, न्यूज पीआर में आप सभी का स्वागत है। बीते कुछ दिन पहले मुंगेर में निवर्तमान मुखिया परमानंद टुडू की नक्सलियों ने गला रेत करके हत्या कर दी थी। इस खबर के सामने आने के बाद अब ये खबर एक राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। दरअसल जब सुप्रीमो पप्पू यादव उस गांव पहुंचे और मुखिया के परिवार वालों से मिले और एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है पप्पू यादव ने, वो आपको सुनाते हैं। क्लियर है भाई, कंप्लीट इस 14 करोड़ के बिहार में लोकतंत्र समाप्त हो चुकी है। ना जनता का शासन है, ना लोकतंत्र, संविधान कोलैप्स हो चुका है। ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष, सबके सब मुर्दे। इस बिहार को चला रहा है या तो बालू माफिया, ड्रग्स माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया और टेंडर माफिया। अब पदाधिकारी नेता उसकी उंगली पर नाचते हैं। बिहार की पूरी गरीबी उस पर चर्चा नहीं है। समाज सुधार का क्या होगा? जब रोजगार नहीं होगा तो समाज सुधार कहां से होगा? जब पीस नहीं होगा, लोगों की जिंदगी हिफाजत नहीं होगी तो समाज सुधार क्या? आप सिर्फ शराब 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 और पूरे घर में ड्रग्स, कोरेक्स, एसमैक्स सब चला गया। भूखे पेट कभी समाज सुधार होगा? अब पूजा मंदिर में होगी, पूरा इलाका डरा हुआ है, समाज सुधार कर लीजिएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा यदि इनकम नहीं है, मैं जिस दिन हमारी सरकार बनी या सरकार में हम आए, मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूं, इस बिहार का आदिवासी हो या दलित हो या कोई गरीब तबका का, कोई सबसे कमजोर तबका का, अत्यंत पिछड़े में से भी अत्यंत पिछड़ा हो, मेरी पहली प्राथमिकता होगी उस परिवार में एजुकेशन, हेल्थ, वाटर और बिजली को फ्री कर, और उसके रोजगार की गारंटी मेरी होगी। मैंने एसपी डीआईजी से 3 दिन पहले बातचीत की। आज 25,000 रुपया, मुझको नहीं पता था ये इतने गरीब हैं जिसके घर में खाने भी नहीं। हमने मदद की है, दोनों बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था मेरे तरफ से होगी। एसपीडी ट्रायल का हम मांग कर चुके हैं, जरूरत होगा तो हाईकोर्ट जाएंगे। इस परिवार की सुरक्षा की मांग अभी हम एसपी साहब से करेंगे। इस गांव को हम गोद लेते हैं, यहाँ के विकास और इस गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। लड़ाई बिल्कुल आर पार है, डरने वाले नहीं है। हम चाहेंगे जो जनप्रतिनिधि हो या आम लोग हो, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था, समाज सुधार से ज्यादा जरूरत है आम आदमी की सुरक्षा, आम आदमी सुरक्षा, आम आदमी की मुस्कुराहट और उसकी रोजी रोटी। समाज सुधार से ज्यादा जरूरत है इन माफियाओं से, इन अपराधियों से बचाना। हम नक्सलियों से कहना चाहेंगे कि आपसे कोई दुश्मनी है, आप कुछ नहीं है, लेकिन जो विचारधारा थी वो आपकी समाप्त हो गई, वो कंप्लीट कोलैप्स कर चुका। अब आप माफियाओं से और अन लोगों से मिलकर यदि सिर्फ लेवी का काम करेंगे, लेने का, और जो आइडियोलॉजी थी गरीबों की, आप लड़ना हो तो आप लड़िए ना दुनिया के उन बेईमान मंत्री संतरी से, नेताओं से, एमपी एमएलए से जो लूटता है, जिसके घर भरते हैं, जो जनता का टैक्स का पैसा लेता है, आप उससे लड़िए ना, कौन आपको रोकता है? अब जाइए, आम आदमी की जिंदगी तबाह और डरी हुई क्यों? आम आदमी निहत्तों को आप क्यों मारते हैं? जाति और धर्म मजहब के आधार पर आपकी मौतें क्यों होती है? हम इसके पक्ष में नहीं है और ना हम इसके पक्षधर हैं। आपको यदि गरीबी समाप्त करना हो और विकास की बात करना हो तो आप सरकार से लड़िए, सरकार के नुमाइंदे से लड़िए। झाड़ू ऊपर से दिया जाता है, नीचे से नहीं। आप पदाधिकारी से लड़िए, आप माफियाओं को चैलेंज कीजिए जो आज आम जनता का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप उससे तो लड़ेंगे नहीं, आप लड़ेंगे जनता से। ये ठीक नहीं है। हम इस गांव में इसलिए नहीं आए कि मुखिया जी की हत्या हुई, बगल में और जगह हत्या हुई, सारे मंत्री जाति के आधार पर गए, लेकिन यहां कोई आने की हिम्मत नहीं किया। आखिर क्यों? क्या ये मुखिया नहीं थे? क्या यहां के पंचायत के लोग डरे हुए नहीं है? क्या ये सहमे हुए यहां नहीं है? कैंप आपने दे दिया गांव में,
आप कैंप इधर क्यों नहीं दिए? आप कैंप बीच में दीजिए। या नहीं, ये स्कूल था यहां भी दीजिए। हम इसीलिए आए कि किसी के मन में ये भ्रम ना रहे कि उसकी बंदूक गोली उगलती है और किसी का सीना गोली खाने को तैयार ना हो। लोकतंत्र बचाने के लिए एक बार नहीं, 1,00,000 बार पप्पू यादव को मरना होगा तो मरेंगे, लेकिन इससे डरेंगे नहीं। परिवार मेरे लिए सर्वप्रथम है और इसको आपको दिखने को जनवरी में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना पप्पू यादव को, उन्होंने बताया कि उन बच्चों की शिक्षा, आगे की जो शिक्षा होगी उसकी जो व्यवस्था है उसका पूरा का पूरा भार अपने कंधों पर उठा लिया है। इसके अलावा पीड़ित परिवार को 25,000 का मुआवजा भी दिया है, इस मुआवजे का ऐलान किया है और उन बच्चों के भविष्य की, आगे की पढ़ाई लिखाई सभी को उन्होंने अपने कंधों पर ले लिया है। इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ PR के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।